नमस्ते एवरीवन, मुझे काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं कि हम योगा कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, हम कंप्लीट बिगिनर हैं, प्लीज गाइड अस। क्या हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं एज अ बिगिनर? अ बिग नो। रीजन है कि अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो और आप सीधा सूर्य नमस्कार शुरू कर रहे हो, आपका बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म अप नहीं है, प्रिपेयर नहीं है उस चीज़ के लिए, आपकी फ्लेक्सीबिलिटी कम होगी, स्ट्रेंथ कम होगी। तो बेटर है अगर आप अपने बॉडी को पहले वार्म अप करो, स्ट्रेच करो और फिर सूर्य नमस्कार करो, क्योंकि पॉस्चर करेक्ट नहीं होगा, अलाइनमेंट सही नहीं होगा, तो आप खुद को इंजर कर सकते हो। सो अ बिग नो। तो इस वीडियो में मैंने कवर किया एक बहुत सिंपल सा रूटीन, वार्म अप रूटीन, हेड से लेके टो तक, जो बिगिनर फ्रेंडली है, हर कोई कर सकता है, और योगा हर कोई कर सकता है, एज डजंट मैटर। अगर आप 15 हो या 50 हो, इट डजंट मैटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और उससे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, माई सेल्फ अलका पेरीवाल। मैं सूरत गुजरात से हूँ और योगा 13 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ और पिछले 5 सालों से मैं सिखा रही हूँ। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। शुरू आपको एक स्टैंडिंग पोजिशन में करना है। पैरों के बीच में गैप रख लीजिए, अपने दोनों हैंड्स को वेस्ट पे। ब्रीद इन करते हुए हेड को ऊपर की तरफ, ब्रीद आउट हेड डाउन, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल एंड रिलैक्स। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, ब्रीद इन चेंज, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out, inhale, exhale, inhale, exhale and relax। सारी एक्सरसाइजेज आप 3 to 5 टाइम रिपीट कर सकते हो, बट मेक श्योर आप कंफर्टेबल हो वाइल परफॉर्मिंग इट। अगर आपको थोड़ा सा भी अनईजी फील हो रहा है, अजीब लग रहा है, प्लीज स्टॉप। अपने बॉडी को ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। हाफ नेक रोटेशन, नॉर्मल ब्रीदिंग में अपने हेड को लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट मूव करना है, एंड द अदर हाफ, इसको भी 3 to 5 टाइम्स आपको रिपीट करना है। एंड रिलैक्स। आगे बढ़ते हुए अब हम शोल्डर के लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले अपने शोल्डर्स को मैक्सिमम लिफ्ट करते हुए हम सर्कल रोटेशन करेंगे। तो अपने हाथों को मैक्सिमम अप, फॉरवर्ड, बैक, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिवर्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। अब आपको करना है ऑल्टरनेट हैंड अप डाउन एक्सरसाइज। ब्रीदिंग आपका एकदम नॉर्मल रहेगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड रिलैक्स। दोनों हाथ साथ में अप डाउन, 1, 2, 3, 4। बॉडी बिल्कुल मूव मत करना ऐसे, ये एकदम गलत प्रैक्टिस है। मेक श्योर आप अपने सिर्फ हैंड को मूव कर रहे हो, अप एंड बैक एंड रिलैक्स।
अब दोनों हाथों को सामने की तरफ सीधा रखना है, हाथ की मुट्ठी बनानी है एंड रिलीज, टू रिलीज, थ्री रिलीज, फोर रिलीज, फाइव रिलीज, सिक्स रिलीज, सेवन रिलीज, एट रिलीज, नाइन रिलीज, टेन रिलीज। सिर्फ अपने फिंगर्स को बेंड करना है एंड स्ट्रेट, बेंड एंड स्ट्रेट, बेंड एंड स्ट्रेट एंड रिलैक्स। रिस्ट रोटेशन, अपने रिस्ट को सिर्फ और सिर्फ अपने हैंड को यहाँ से मूव करने की कोशिश करना है एंड रिवर्स। सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड रिलैक्स। अब हम अपने हिप को मूव करेंगे, हिप सर्कल्स, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिवर्स, टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन एंड रिलैक्स। अब आपको करना है मार्च पास्ट एक्सरसाइज, अपने पैर को जितना हो सके लिफ्ट करना है। थ्री फोर फाइव, आप इसके साथ साथ अपने हैंड को भी मूव कर सकते हो टू सेव टाइम एंड रिलैक्स। अपने ऑल्टरनेट लेग को बेंड करना है और कोशिश करना है जितना हो सके आप अपने लेग को बेंड कर रहे हो एंड अपने फुट को हिप के क्लोजर लेके आ रहे हो। सेवन एट नाइन टेन एंड रिलैक्स। आपको करना है ब्रीद इन करते हुए अपने बैक को राउंड, ब्रीद आउट बैक स्ट्रेच, ब्रीद इन ब्रीद आउट चेस्ट आउट हेड अप, ब्रीद इन ब्रीद आउट हेड को अप, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। आपको ले लेना है वॉल का सपोर्ट, सीधे खड़े रहना है और जितना हो सके पैर को सीधा लिफ्ट करना है, स्ट्रेट लिफ्ट करना है। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, लेग चेंज करके रिपीट करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। सेम तरीके से हमें लेग को साइड की तरफ से लिफ्ट करना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। साइड चेंज करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड रिलैक्स। आपको बेंड करना है अपने लेग को, अपने दोनों हाथ को नीज पे रखना है और नी सर्कल करना है, अपने नी को राउंड मूव करना है। हर एक्सरसाइज में आपका ब्रीदिंग नॉर्मल होगा। रिवर्स, फाइव फोर थ्री टू वन एंड रिलैक्स।
वॉल का सपोर्ट लेते हुए लेग को स्ट्रेट बेंड स्ट्रेट बेंड स्ट्रेट बेंड, लेग चेंज करना है, स्ट्रेट बेंड स्ट्रेट बेंड स्ट्रेट बेंड स्ट्रेट बेंड एंड रिलैक्स। सपोर्ट लेते हुए अपने पैर को जितना हो सके लिफ्ट करिए, अपने पैर की उंगलियों को स्क्रंच करना है, रिलीज करना है, स्क्रंच रिलीज स्क्रंच रिलीज स्क्रंच रिलीज स्क्रंच रिलीज। फुट रोटेशन करना है, फुट को मूव करना है, 3 4 5 6 7 रिवर्स, 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। अपने लेग को चेंज करते हुए फिंगर्स को स्क्रंच रिलीज स्क्रंच रिलीज स्क्रंच रिलीज स्क्रंच रिलीज स्क्रंच रिलीज एंड रिलैक्स। फुट रोटेशन 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। तो पूरा रूटीन फॉलो करने के बाद आप कंफर्टेबली क्रॉस लेग पोजीशन यानी सुखासन में बैठ सकते हो। अपने दोनों हाथों को नीज पे रख दो और अपनी आंखों को बंद रखो। अपने ब्रीदिंग को सबसे पहले नॉर्मल करने की कोशिश करना है, जो काफी हार्ड एंड फास्ट हो गया होगा अब तक, उसको स्लो डाउन करो, उसको रिलैक्स करो। तो अपनी आंखें बंद, कुछ सेकंड्स के लिए शांति से बैठने की कोशिश करो। बॉडी एकदम रिलैक्स्ड, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, रोल्ड बैक एंड डाउन। सीधे बैठना है पर ज़्यादा प्रेशर अपनी बैक पे मत रखना। कंफर्टेबल रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप खुद की बॉडी को रिलैक्स करना चाहते हो। सिर्फ और सिर्फ आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा फोकस आपके ब्रीदिंग पे। अगर आप सुखासन में नहीं बैठना चाहते हो और आप शवासन करना चाहते हो तो आप शवासन भी कर सकते हो। पैरों के बीच में शोल्डर से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस, अपने हाथ की हथेली आकाश की तरफ और अपने हेड को सेंटर या फिर लेफ्ट साइड पे नॉड करते हुए रिलैक्स्ड रखना है। आंखें बंद, अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स। अपना सारा ध्यान, सारा टेंशन आपका ब्रीदिंग पे होना चाहिए, आपका पूरा फोकस आपके ब्रीदिंग पे होना चाहिए। यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चंस, आपके कोई डाउट्स इस वीडियो को लेके या इन जनरल इन द कमेंट सेक्शन।